अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर रिव्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था अ हाउस इन द व्यू, इसका एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ सा, और इसके जितने भी वर्क्स थे ईएम फॉस्टर के वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। उनके अर्ली वर्क्स, उनके लाइफ टाइम के जितने भी वर्क्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए थे। विद इन शॉर्ट स्टोरीज भी मैंने आपसे डिस्कस की थी। होप्स हो कि आपने वीडियो को लास्ट में देखा होगा। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक आई बटन में ऐड कर दूंगी ताकि आप लोगों के लिए देखने में आसानी हो जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन के बटन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के स्टोरी में हम बहुत ही एक स्पेसिफिक पोएट्रिक फॉर्म को डिस्कस करेंगे, विच इज़ कॉल्ड बैलेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेट को। व्हाट इज़ बैलेट? अ बैलेट इज़ एन इम्पर्सनल पोएम। लेट इज़ अ शॉर्ट पोएम, यूजली 50 or 60 लाइन्स लॉन्ग। इट इज़ रिटन इन राइम्ड वर्स विच कुड बी संग। बैलेट जो होती है बेसिकली ये एक सबसे पुराने वाली सबसे पहली एक पोइट्रिक फॉर्म थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको लोगों ने डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू में ले लिया, डिफरेंट टाइप्स इसकी बना दी। इसको बेसिकली डिफरेंट टाइप्स जो डिफरेंट शेप्स थी हैं वो ज़्यादा चरवाहे लोग जो होते थे, शेफर्ड जो होते थे, उन्होंने इसको बेसिकली डिफरेंट शेप्स दी हैं। तो ये एक इम्पर्सनल सी पोइमलेट है, शॉर्ट पोइम है, लेकिन इसको यूजली राइट शो किया जाता है। 4 स्टैंजा की पोइम होती है और ये लॉन्ग लेंथ की पोइम्स होती हैं जिसकी 50 to 60 लाइन्स होती हैं, और इसको राइम में रिटन किया जाता है, राइम वर्स में, और इसको किसी के सॉन्ग या डांसिंग सॉन्ग के तौर पर यूज़ किया जाता है, किसी भी चीज़ को संग करने के लिए सॉन्ग के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। तो इसको जो मैंने आपको अभी बताया है लास्ट में, जैसे कि इसको जो फर्दर डिवाइड किया था डिफरेंट टाइप्स में, वो शेफर्स ने डिवाइड किया था, तो उसका आज अब हम डिस्कस करने लगे हैं। बैलेट क्या है, व्हाट इज़ बैलेट, ये मैंने आपको लास्ट में डिस्कस भी कर दिया है, ठीक है। बैलेट इज़ एन इम्पर्सनल पोएम, लेट इज़ अ शॉर्ट पोएम, यूजली 50 or 60 लाइन्स अलॉन्ग। इट इज़ रिटन इन राइम्ड वर्स विच कुड बी संग। तो इसके आगे जो फर्दर टाइप्स में आ जाती हैं वो फोल्क बैलेट्स हैं, नंबर 2 पर आ जाती हैं लिरिकल बैलेट्स, और नंबर 3 पे जो आती हैं मॉडर्न बैलेट्स। फोक बैलेट्स जो होती हैं ये बेसिकली इसमें जो होता है एडवेंचर्स और लव स्टोरीज़ को मेंशन किया जाता है, इन सब चीज़ों पे लिखा जाता है। ये भी बहुत पुरानी किस बैलेट्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है, देखा जाता था, लेकिन इनको मैंने आपको बताया है पीछे कि इनको रिटन फॉर्म में यूज़ नहीं किया जाता, इनको ओरल फॉर्म में यूज़ किया जाता था। लिरिकल बैलेट्स जो है इसमें ना तो एडवेंचर्स वगैरह के बारे में लिखा जाता है और ना ही इसमें लव स्टोरीज पर लिखा जाता है। लिरिकल बैलेट्स में बेसिकली जो लिखा जाता है डे टू डे लाइफ को डिस्कस किया जाता है, डे बाई डे लाइफ, ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है हर एक दिन की लाइफ को डिस्कस किया जाता है, एक एक चीज़ को नोटिस करके लिरिकल बैलेट्स में आ जाती हैं। मॉडर्न बैलेट्स जो हैं ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की बैलेट्स हैं, इसमें बहुत सी मॉडर्न चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो ये सारा था आज एक बैलेट का छोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपसे डिस्कस किया है, लेकिन इसकी फर्दर डिटेल मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूँगी। बैलेट्स क्या हैं, इसकी फर्दर टाइप्स, आगे जितनी भी पोएटिक फॉर्म्स हैं, मीटर, सब मीटर, ये सब कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन पर लास्ट में क्लिक किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी लास्ट में किया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।